सालू 6 महीना पहले मरवाया था। आ सालू बाइक से आया, उसका भाई चला रहा था गाड़ी, दोनों एक पिस्टल लिए हुए था, अब फायरिंग करते रहा, गाड़ी 1 मिनट के लिए रुका। अब सालू मेरे पापा को कनपट्टी में मारा, गोली सालू मार के आज गया है, क्योंकि पुलिस लोग भी उसको छूट दिया है तभी सालू मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से। आपको बता दें कि कचकल्ला थाना अंतर्गत जो है एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, देवीलाल चौधरी को गोली मारी गई है। दो जो है अपराधी बाइक सवार आए थे, तभी खचकल्ला थाने के पास जो है खचकल्ला थाना अंतर्गत जो है गोली मारी गई है। यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर खचकल्ला थाने की पुलिस पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि देवीलाल चौधरी जो की बेटी है, उन्होंने पूरी आपबीती बताई है किस तरीके से अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उनके इलाज के लिए जो है वो NMCH भेजा गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर जो है अपराधी जो है वो देवीलाल चौधरी को जो है गोली मारी गई है, और जिसके बाद जो इलाके में पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। कई दुकानें बंद कर दिए गए हैं डर से, जो आसपास के लोग हैं वहां पर दहशत में दुकानों को बंद करके वहां से भागने लगे। जब गोलियां चलने लगी और उसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी जो है किस तरीके से वहां पर भागा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अपराधियों ने गोली मारी देवीलाल चौधरी को। तब जाकर जो है अपराधी वहां से भागने में सफल हुआ और मौके पर खचकल्ले थाने की पुलिस पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है, CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के खचकल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना घटी है, और जहां अपराधियों ने पूरी तरीके से दहशत फैला दिया है उस इलाके में। और देवीलाल चौधरी की बेटी जो है क्या कुछ कह रही है, जो जिनके परिजन जिनके पिता को गोली मारी गई है वो क्या कुछ कह रही है, पूरी आपबीती बता रही है, जरा वो पहले सुने। सालू आया बाइक से, मेरे पापा खाना न खा के निकले, हम पीछे पीछे अपने बच्चे को लेकर के निकले थे, अब फिर पापा वहीं पे खड़े थे। और सालू बाइक से आया, उसका भाई चला रहा था गाड़ी, दोनों एक पिस्टल लिए हुए था, अब फायरिंग करते रहा, गाड़ी 1 मिनट के लिए रुका। अब सालू मेरे पापा को कनपट्टी में मारा गोली, ऐसे में भगदड़ मचने लगा, सारा अपना दुकान बंद करने लगा। और सालू अपने घर के पास से जाके दोनों भाई साकिमली की तरफ से भागा है। किसको गोली लगा? मेरे पापा को। क्या नाम है? देवी चौधरी। क्या कारण रहा? क्या कोई कुछ कारण नहीं है, मेरे भाई को सालू 6 महीना पहले मरवाया था, और यही कि इसके भाई को मारे हैं, दोस्ती के चलते अपने मेरे भाई को मारा है, सोचा कि इसके अब तो इसके घर में मेरे खिलाफ कार्रवाई करने वाला उसका पिता ही है, इसीलिए वो मेरे भाई पापा को भी मार दिए कि ना ये भी रहे। पकड़िए, किसी को पकड़िए, तो बोल रहे थे कि कार्रवाई कर रहे हैं, अगर सालू जेल रहता तो ऐसा नहीं होता। सालू मार के आज गया है, क्योंकि पुलिस लोग भी उसको छूट दिया है तभी सालू मारा है। का नाम और उनके परिवार के तीन लोगों का नाम लोग दे रहे हैं। घटना सही है, उनकी हत्या कर दी गई है, पहले भी उनकी उनके भाई के भाई या भाई का बेटा बेटा का ये हत्या हो गई थी, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या पूरा मामला है? मामला पहले से कुछ मामला चल रहा था, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, हम तो परिवार में हमको कितने गोलियाँ मारी गई, इतनी गोलियाँ लगी है तो गोली देखने सब लोग कह रहा है कि गोली चलाते हुए मारा, गोली भी मारा है चलाते हुए, मौत हो गई। बाकी मौत हो गई ऐसी खबर में लोग ले। तो आपने सुना कि किस तरीके से वो पूरी आपबीती जो उन देवीलाल चौधरी को गोली मारी गई है, उनकी बेटी ने पूरी आपबीती बताई है। उनके परिजन जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पहले यही जो व्यक्ति है, जो युवक है, वो हमारे भाई को गोली मारा था, अब हमारे पिता को गोली मारा है, कि इसलिए क्योंकि अब जो है उसके घर में कोई चिराग ना होगा जिससे थाने में मामला दर्ज होगा और कोई केस नहीं लड़ेगा। ये तमाम बातें उनकी बेटी ने बताई, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना सिटी के खचकल्ला थाना अंतर्गत ये घटना को अपराधियों ने फिर एक बार अंजाम दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे न्यूज के लिए, और देखते रहते